Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Mahparah, and right now I am here in Faisalabad Medical University. You can see there is football ground, and here at the back this is anatomy department. And right now I'm going to Girls Hostel Faisalabad Medical University, and we will now about the life at Faisalabad Medical University Girls Hostel. So let's go. I'm going towards hostel. So guys, we are heading towards the Girls Hostel Faisalabad Medical University, and we will now about the pros and cons of hostel life and how is the environment, living standard there at Girls Hostel. Guys, you can see a bridge here. This is the bridge connecting the university with the Girls Hostel. Just see the view from the top. Guys, on the other side of the university, these are all hostels of Faisalabad Medical University. Let's go down the stairs. Guys, right now I have reached here in Girls Hostel, and you can see here is the mess area. Let's go inside. Guys, this is mess area, और यहाँ पे ये अंकल बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, और वहाँ से आप टी ले सकते हैं. यहाँ से कोई भी चीज़ खाने की, all accessories are present here. And here is sitting arrangement. Now let's go inside the hostel. जी, अब मैं आ गई हूँ गर्ल्स हॉस्टल फैसलाबाद में, और अब यहाँ की हॉस्टलाइट फेलोज से पूछते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन गर्ल्स हॉस्टल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस हियर? यहाँ पे हॉस्टल लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आप यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखते हैं. यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका कल्चर पता चलता है, और आप और भी बहुत कुछ सीखते हैं. आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. घर में आप बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, तो फिर यहाँ आके आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. जी, थैंक यू सो मच. जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आके हमें मुख्तलिफ इलाकों के लोग मिलते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह हो जाते हैं. तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बाकी हर जगह तो हम घर में रहते ही हैं. अब हमारी मामा पापा हमारा ख्याल रखते हैं, यहाँ पे हमें सारे काम खुद ही करने होते हैं अपने, तो मज़ा आता है. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है फिर ये. जी, काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग. हाँ जी, और जो हॉस्टल में आप सीखते हैं वो आप घर रह के नहीं सीख सकते. आपको ये एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए आपके अंदर. लाइफ का एक्सपीरियंस आ जाते हैं ना, अपने काम खुद करने आ जाते हैं यहाँ आके. जी, जब आप यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में आए थे, तो यहाँ पे रैगिंग सीन किस हद तक ऑन था? रैगिंग का यह था कि लाइक व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम हियर, सीनियर्स वेर इनिशियल दे वेर सो नाइस, बट यू नो काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप रैगिंग हुई थी, एंड सम ऑफ देम मेड आवर क्लासमेट्स क्राई, और बहुत बुरी तरह से रोए थे कुछ क्लासमेट्स, बट दे वर नॉट दैट मच रूड टू मी. दे आस्क मी टू परफॉर्म ए डांस, सो आई डिड दैट. एक्चुअली एक लोकल सॉन्ग पे मैंने डांस किया था, विच वी यूजुअली परफॉर्म इन यू नो इन नॉर्थ या गिलगित. सो और लेटर ऑन दैट वॉज गुड, यू नो दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. ब्रेकिंग होनी चाहिए. लाइक आफ्टर दैट वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद आवर सीनियर्स. दे यू नो कीप इन टच विद अस, दे कीप हेल्पिंग अस, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस.
सो इस तरह जब भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम हमेशा सीनियर्स के पास जाते हैं. तो इस तरह आई नो सो मैनी ऑफ देम, सो मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ और दे आर सो नाइस. जी बताइएगा कि स्टडी के लिए गर्ल्स हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे. मतलब हर वक्त आपको सीनियर्स अवेलेबल होते हैं. आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं. वो आपको हर वक्त अवेलेबल होते हैं गाइडलाइन देने के लिए. इसके अलावा कभी कभी आप अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, बहुत मज़ा आता है. और ग्राउंड है, आप ग्राउंड में चले जाएँ, रूम है, रूम में. हमारे हॉस्टल की जो खास बात है वो ये है कि हमारे हॉस्टल में एक बहुत वेल फर्निश्ड सा रीडिंग रूम है जहाँ जो हर वक्त भरा होता है. यानी कि अगर कमरे में नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा है, नींद आ रही होती है, तो हम वहाँ चले जाते. और हर वक्त प्रोफ सीजन में तो आपको ग्राउंड्स में भी हर जगह बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे. और फ्रेंड्स कैसी हैं, हेल्प करती हैं स्टडी में? फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी हैं. मतलब हर किसी को अपनी नेचर की मिल जाती हैं. तो जो चील है उनकी फ्रेंड्स चील होती हैं, और जो थीटे हैं वो थीटे फ्रेंड ढूंढ लेते हैं. तो मतलब अच्छे रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, सिलेबस का भी नहीं पता चल रहा होता, तो वो फ्रेंड के साथ रह रहकर खुद ब खुद ही सारा कुछ कवर हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. जी बताइएगा गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से FMU हॉस्टल की सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी के लिहाज से ये है कि आई वुड से इट्स बेस्ट. लाइक टॉकिंग अबाउट द मेन गेट, इट गेट्स क्लोज्ड एट 7 o'clock एंड देर आर टू पार्टीशन. यू कैन सी द जिना हॉल एंड लियाकत हॉल. सो दिस ग्रिल गेट्स क्लोज्ड एट 12 o'clock. सो कोई आ भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता. सो ये बंद होता है. और जो मेन गेट है उस पर अंकल लोग गेट कीपर्स होते हैं. बिसाइड्स ये कि अगर डे टाइम में लाइक इफ़ यू गो फॉर एन आउटिंग तो हमें पास बनवाना होता है और इवन फिंगरप्रिंट्स, एंड हमें ये भी लिखना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और टाइमिंग सब कुछ है MPM. सो इससे अगर लाइक कोई इमरजेंसी या कोई हमारे साथ लाइक कोई इंसिडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करें, तो इन दैट केस हमें नंबर भी लिखना होता है वहाँ पे. तो अगर लेट होते हैं हम लाइक 7 o'clock से हम पहले नहीं आते हैं तो कॉल करते हैं, फिर अगर कोई इशू हुआ है तो ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं. सो आई गेस इससे सिक्योरिटी के से रिलेटेड कोई इशू नहीं है. सो यू कैन कम टू दिस हॉस्टल एंड फील फ्री टू कम. हॉस्टल लाइफ इज़ आई वुड से द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई हैव यू नो स्पेंड मोर देन 8 years इन हॉस्टल. कैन यू इमेजिन 8 years? You must not have experienced hostel life, but I have experienced 8 years. So I would say hostel life is the most precious part of my life. So mere andar jo traits, acche wale traits build up ho gaye hain, that's because of hostel life. So I would say ki aana chahiye. So you must come and experience this. Thank you. Ji Sajjal, would you recommend FMU girls hostel to newcomers? Yes, I would love to. I mean, they must come in this sense that we meet so many people belonging to different different backgrounds, different they speak different languages, different dialects, and even different religions. Like I have my friends and I have my roommates, they belong to different some belonging to different school of thoughts. So is tarah like hamare hum three roommates hain mere paas. Like I am from Gilgit, the another one is from Balochistan, and third one is from Punjab. So likewise dekho three different regions ke logon se interaction hoti hai, and I have my friends from Nepal as well. So is tarah different log ke mentalities and all that kaise interact karna hota hai aur unka uthna baithna kaisa hai, like culture ke bare mein janna. So I would say ki they must come. And besides I would say jo hamare classmates aur seniors hain, they are so nice, they are always there to help us. So kabhi bhi koi help chahiye hogi to like agar koi guest caller hai to they can only text their friends, but they cannot they cannot talk to them. So is tarah seniors ke paas hum jate hain aur hamare classmates ke paas, to koi bhi cheez se related koi bhi question problem ho to they are always there to help us. So I would say ki aur hum khelte bhi hain, we play together and we make lots of fun, lots of memories. So guys,
दिस इज़ गर्ल्स हॉस्टल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। ब्यूटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको यहाँ की हॉस्टलाइट गर्ल्स ने बता दिए हैं। सो नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू हैव टू चूज़ दिस मेडिकल कॉलेज एंड इट्स हॉस्टल और नॉट। सो गाइज, आफ्टर अ क्वाइट हेक्टिक डे बिकॉज टुडे वी हैड आवर सेंड अप एंड आफ्टर दैट आई हैड दिस शूट इन गर्ल्स हॉस्टल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जस्ट टू गाइड यू गाइज अबाउट दिस हॉस्टल। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा अबाउट गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज़ ऑल अबाउट गर्ल्स हॉस्टल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अब शाम हो चुकी है और सुबह से यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ। पहले सेंड अप था और उसके बाद फिर ये शूट था एंड नाउ आई एम गोइंग। बाय।